जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर सिक्स की एमसीक्यूज। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 51/63। तो इसकी इक्विवेलेंट यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन होगा? तो यहाँ देखिए 51/63 है। 3 से कैंसिल करिए, 3 17 51, 3 21 63, तो 17/21 है। तो 17/21 देखिए बी नंबर ऑप्शन पे है, तो इसकी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टू नंबर देखिए, 8 आवर्स इज डैश पार्ट ऑफ ए डे। तो 8 आवर्स, 8 घंटे एक दिन के कितनी पार्ट है? तो एक दिन में 24 आवर्स होती है और इनमें से 8 आवर्स है। तो 8 1 8 8 3 24 इज इक्वल टू 1/3 है। तो टू नंबर देखिए, 1/3 ए नंबर है, ए नंबर ऑप्शन पे है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ए नंबर देखिए, द बिगेस्ट अमंग 1/4 3/4 7/10 एंड 1/2 इज, इनमें सबसे बड़ा कौन से हैं? अच्छा तो पहले थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यूज देखते हैं। 1/4 की वैल्यू 0.25 है। अच्छा 3/5 की वैल्यू 0.60 है। 7/10 की वैल्यू 0.70 है और 1/2 की वैल्यू 0.50 है। तो इनमें देखिए 0.70 सबसे बड़ा है। डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए तो ये 70 आएगी। तो सबसे बड़ा 7/10 है। तो 7/10 सी नंबर ऑप्शन पे है, तो इसकी सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फोर नंबर, 4/7 + 2/3 इज इक्वल टू 4/7 + 2/3 इज इक्वल टू, अच्छा 7/3 की एलसीएम 21 है। ऊपर देखिए 3/4 = 12 + 2/7 = 14, तो इज इक्वल टू नीचे 21। तो 2 + 4 = 6 है, 1 + 1 = 2 है, 26/21 है। अच्छा इसको फर्दर काट नहीं सकते, इसको एक काम कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 26 में 1 टाइम है और नीचे 21 है और ऊपर क्या बाकी रहेगी? 5 है, तो 1 complete 5/21। तो 1 complete 5/21 देखिए बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 4 की बी करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 2 fractions विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। 2 fractions जिनकी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ये हमें पता है। तो सी नंबर ऑप्शन में देखिए लाइक फ्रैक्शंस है, तो 5 नंबर की सी करेक्ट है, 5 नंबर का सी नंबर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनमें कौन सी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जिस फ्रैक्शन को हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 12/21 को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को एटलीस्ट हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं। 3 4 = 12, 3 7 = 21, देखिए 12/21 3 4 = 12, 3 7 = 21 कट गया ना, तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, 91/100 है, 91/100 है। तो आप देखिए इसको किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, किसकी? 6 नंबर की बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 friends अरुण ओमी सिद्दीक एंड चक्कू बॉट अ केक। अरुण एट 1/3 ऑफ द केक, ओमी टूक 1/4 ऑफ इट, बोथ सिद्दीक एंड चक्कू एट 1/5 ऑफ द केक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए अरुण ने 1/3 ऑफ ए केक, पूरा एक केक की 3 बार की 1 बार खाई अरुण ने। अच्छा अमित ने 1/4, अमित 1/4, सिद्दीक और चक्कू, सिद्दीक एंड चक्कू 1/5 है, 1/5 इस पूरे केक की, मतलब 5 बार की 1 बार सिद्दीक और चक्कू दोनों ने मिलके खाया है। अमित ने 4 बार की 1 बार, अरुण ने 3 बार किया, पूरा एक केक को 3 बार किया और इसकी 1 बार खाया, तो सबसे ज़्यादा तो अरुण ने खाया ना भाई, क्योंकि 3 बार किया पूरे चीज़ को। देखिए जितने ज़्यादा बाग करेंगे ना बाग उतने ही छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ए नंबर देखिए, अमित शेयर इज लेस देन अरुण, तो
तो अमित की शेयर अरुण से कम है, तो भाई देखो अरुण की शेयर 1/3, अमित की शेयर 1/4, तो 1/3 1/4 से बड़ा है। और यहाँ अमित की शेयर यानी कि 1/4 1/3 से छोटा है, तो यहाँ कह रही है कि अमित की शेयर जो है ना अरुण की शेयर से कम है, छोटा है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ देखिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 7 की A करेक्ट है, 7 की A नंबर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट भाई 8 नंबर देखेंगे, दी लेंथ ऑफ ए कारपेट इज 2.5 मीटर लेस देन दी लेंथ ऑफ ए रूम, इफ दी लेंथ ऑफ द कारपेट इज 3 1/4 मीटर देन दी लेंथ ऑफ द रूम इज, तो कारपेट की लेंथ है 2.5 मीटर, तो एक रूम है जिसकी लेंथ कारपेट की लेंथ से 3 1/4 ज़्यादा है, 3 1/4 इतनी मीटर ज़्यादा है किसकी, ये तो भाई कारपेट की लेंथ, और ये रूम की लेंथ है, रूम की लेंथ इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो रूम की लेंथ क्या होगी, ये कारपेट की लेंथ है और रूम की लेंथ कारपेट की लेंथ से इतनी ज़्यादा है, तो मतलब रूम की लेंथ इन दोनों की सम है। तो देखिए 2+3 5 है, 2+3 तो 5 है, पहले इंटीजर पार्ट ऐड करिए, बाद में 1/2 और 1/4 ऐड करिए, 1/2+1/4 तो इज इक्वल टू 12 होल की एलसीएम 4 है, 4 में 2 2 टाइम्स है, 2 1 2 प्लस 1 कितने बार है, 4 में 4 एक बार है, तो 1 2 1 1 है, तो 3/4 है, तो 5 यहाँ कंप्लीट है ना, तो 5 कंप्लीट 3/4 है, 5 कंप्लीट 3/4 कौन सी ऑप्शन पे है, देखिए 5 कंप्लीट 3/4 मीटर बी ऑप्शन पे, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, मतलब किसकी 8 नंबर की बी करेक्ट है, ठीक है 8 की B करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है 9 नंबर देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेप इज शेडेड, कितनी पार्ट इस फिगर में, इस शेप में शेड की गई है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 अच्छा 4 5 छ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, नीचे भी 8 है, तो 16 पार्ट्स है। अच्छा 16 पार्ट्स में से 1 2 3 4 शेड की गई है, तो 4/16 है, 4 1 4 4 4 16 है, तो 1/4 है, 1/4 कौन सी ऑप्शन पे है, देखिए ए नंबर ऑप्शन पे है, तो 10 की A करेक्ट है भाई, सॉरी 10 नहीं 9 की A करेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, अजमोल वॉक्स 10 मिनट्स टू रीच द बस स्टॉप एंड ट्रेवल्स 35 मिनट्स बाई बस टू रीच हिज ऑफिस, अच्छा द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर स्पेंड बाई हिम टू रीच हिज ऑफिस, तो अजमोल बस स्टॉप पे जाने के लिए अपने घर से 10 मिनट तक पैदल चलता है, इसके बाद बस में 35 मिनट्स लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, तो ये जो दोनों टाइम्स हैं, इन दोनों टाइम्स 1 घंटे के कितने फ्रैक्शन हैं, तो देखिए पैदल 10 मिनट है, 10 मिनट पैदल चलता है और 35 मिनट बस में, तो 45 मिनट्स, तो ये जो 45 मिनट्स है ये 1 घंटे के कितने मिनट्स हैं, कितने पार्ट्स है, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। आप देखिए 60 और 45 दोनों को किसी एक कॉमन मल्टीप्लायर से डिविजर से काटना, तो 5 से हम काट सकते हैं, 5 12 60 और 5 9 40 3 से काटिए, 3 3 9 3 4 12 तो 3/4, ये 3/4 देखिए कौन सी ऑप्शन पे है, 3/4 तो बी नंबर ऑप्शन पे है, तो भाई 10 की B करेक्ट है। तो भाई MCQs ईजी है ना, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।